वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में बीती रात दुल्हन ने अपने साहस का परिचय देते हुए द्वारे पर आई अपनी बारात को वापस लौटा दिया। दरअसल यह पूरा मामला सीहोर नगर के वार्ड क्रमांक 15 से सामने आया है, जहां अजब सिंह सूर्यवंशी की बेटी प्रिया का विवाह कल रात को होना था, लेकिन दूल्हा सहित बारात में आए हुए लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर लड़की का पक्ष के लोगों के से गलत व्यवहार किया और 5 लाख रुपए दहेज मांगने लगे। जब इस बारे में दुल्हन को पता चला तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और थाने में जाकर बारातियों की शिकायत दर्ज करा दी। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। त्री में करीबन 9-10 बजे एक बारात गंज वसोदा विदिशा से आई थी और एक मामला संज्ञान में आया है कि यहाँ पर बाराती आने के बाद उनमें कुछ विवाद हुआ दहेज को लेकर, तो पीड़िता महिला की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। कर सकता हूँ जितना हो सकता मैंने किया है, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो इन्होंने शादी से मना कर दिया कि नहीं, हम शादी भी करेंगे और दहेज भी लेंगे, तुम्हें करनी पड़ेगी। तो मेरे पिताजी ने फिर भी मना किया और उसके बाद मैं आई, मुझे पता चला कि इन्होंने दहेज मांगा है। तो मैं रूम से बाहर आई, मैंने ये कहा अगर आप दहेज मांग रहे हो तो मुझे शादी नहीं करना है। तो ये बात सुनकर जो मैंने होने वाले हस्बैंड जी थे घनश्याम, उन्होंने ये कहा कि अगर तू शादी नहीं करेगी तुझे शादी भी करना होगी और दहेज भी देना होगा।